1959 पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के एतबार से इंतहाई अहम साल है, क्योंकि उस साल हमारी पाकिस्तानी फिल्मों में स्टोरीज के एतबार से काफ़ी डाइवर्सिफिकेशन नज़र आती है। नीम, कोयल और झूमर जैसी फिल्में भी उसी साल रिलीज़ हुई, और उसी साल क्या में पाकिस्तान के पसे मंजर पर मबनी पहली पंजाबी मूवी करतार सिंह भी रिलीज़ हुई, जिसमें हकीकत की झलक नज़र आती है। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एके बस, दिस इज थ्रोबैक थर्सडे। ये मूवी रिलीज हुई 18 जून 1959 में, और ये ब्लैक एंड व्हाइट दौर की सुपरहिट मूवी है। मूवी की कास्ट में शामिल है अलाउद्दीन, सुधीर, मुसर्रत नजीर, बहार, गुलाम मोहम्मद, अजमल, जरीफ और वेरियस आर्टिस्ट। हाथ वखाया सी पर वो सारे कहंदे ने ए सच जहर पै गई है ते तेनु हाथ कटवाना पड़ेगा। इस मूवी की प्रोडक्शन और डायरेक्शन की सैफुद्दीन सैफ साहब ने, और सैफुद्दीन सैफ साहब ने ही मूवी का स्क्रीन प्ले और कुछ गानों के लिरिक्स भी लिखे। उंगली मार के बैठी आई है जुल्फा, एक काफ कत्ल दा किदा समान कीता है, नी दफा तू कि सवेरे सवेरे बैतबाजी शुरू कर देती है। अब हम बात करते हैं कि करतार सिंह एक सुपरहिट मूवी क्यों है। उसके पीछे तीन वजूहात हैं। एक है मूवी की स्क्रीन प्ले, सेकेंड है मूवी की डायरेक्शन, और थर्ड है मूवी की सिचुएशंस और करेक्टर्स। पर जाते मैं रहे हैं सूटकेस तुसी क्यों चुके आया है ते लाजरू किथे तैयार कीता ही। फिल्म की जान था उसका स्ट्रॉन्ग स्क्रीन प्ले, जो कि आजादी की जदोजहद की मंजर कशी करता है। सोने पे सुहागा, वारिश आका कलाम, जो कि वक्फे वक्फे से एक फकीर की सदा की सूरत में ना सिर्फ मूवी की कहानी को आगे बढ़ाता है, जबकि साथ ही साथ फिल्म बिनों को इमोशनल भी कर देता है। मूवी में फकीर का किरदार और ये सदा दोनों ही अनायत हुसैन भट्टी साहब ने की। रब कई पसार पसार दा नी। मूवी का म्यूजिक दिया सलीम इकबाल ने। मूवी का म्यूजिक काफी सुपरहिट रहा, क्योंकि मूवी के गाने ज्यादातर सिचुएशनल थे। मूवी के कुछ गाने आज भी लोगों में मकबूल हैं, जिनमें शामिल है देसा दा राजा मेरे बाबुल दा प्यारा, देसा दा राजा मेरे बाबुल दा प्यारा, अंबड़ी दे दिले दा सहारा नी वीर, और गोरी गोरी चांदनी दी ठंडी ठंडी छानी। मूवी का एक गाना पैरी बेड़ियां पजेबा दियां पाके, जिसमें मुसर्रत नजीर और बहार की केमिस्ट्री को काफी पसंद किया गया। और एक अलमिया गीत अज आखां वारे शानू, जो कि अमृता प्रीतम का कलाम है, मूवी की कहानी को कूजे में बंद करता है। मूवी में काफ़ी सोशल मैसेजेस भी दिए गए, जिनकी ज़रूरत दौरे हाजिर में भी शिद्दत के साथ महसूस की जाती है, जिनमें सबसे अहम मैसेज ये था कि अपनी बहन और बेटियों की इज्जत ना सिर्फ अपनी बल्कि पूरे माशरे की इज्जत होती है, और इनकी पाक दामनी पर हाथ डालने वाले की मिसाल इसी तरह है जैसे वो अपनी बेटी और बहन पर हाथ डाले। नी गल याद रखी, जिहो जी चिट्टी दूध जी चादर छड़ के गया से उसी तरह वापस भेज रहा हूं। मूवी का मरकजी करेक्टर प्ले किया अलाउद्दीन ने, जो कि एक नेगेटिव करेक्टर था। मूवी के क्लाइमेक्स तक ये नेगेटिव करेक्टर एक पॉजिटिव करेक्टर में तब्दील हो जाता है। मूवी में ये नेगेटिव से पॉजिटिव की ट्रांजिशन आज भी अपनी मिसाल आप है। पहरी वेले आया उमर दीना, दुनिया बदल गई पर तू ना बदलियो करतार, कुछ भी हो उमर दीना। सो ये था करतार सिंह मूवी का रिव्यू। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।